Good afternoon. Okay, Agya, I think. आ गया ना, आ गया, सुनाई दे रहा है बच्चों? लो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बारिश वारिश हो गई है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो गया, तो क्योंकि एक बच्चा जो है वो गुस्से में डिसलाइक भी करके चला गया। आवाज आ रही है? सूर्य, सूर्य प्रताप सिंह, बताओ आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, चलो। तो गुस्से में आके किसी एक बच्चे ने जो है वो डिसलाइक कर दिया है। चलिए चलिए ठीक है, ओके बच्चा, ओके शुरू करते हैं ना। चलिए तो हम लोग सुबह जब हमारा 2:30 बजे वाला सेशन था, तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था? हमने जो लाइट रिएक्शन वाला पार्ट था वो करा था, है ना। और उसमें हम लोग जो है वो समझ रहे थे जो हमारा किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं। हेलो हेलो निहारिका, हेलो 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 आई मीन्स वेंकटेश, हेलो, है ना। तो वो वाला पार्ट हम लोगों ने किया था, एंड उसमें जो है कुछ बच्चों ने बोला कि नोट्स जो है वो शेयर कर लीजिएगा मैम। तो मैं नोट्स भी शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन स्लाइड जो है वो काफी बड़ी है वो वाली, है ना। तो उसका जो है वो मैंने किया, कोशिश किया, बट वो हुआ नहीं। तो मैं उसको अभी कन्वर्ट करके पीडीएफ में देन मैं करूंगी। तो टेंशन मत लो, जो भी जिन भी बच्चों ने उस टाइम पे बोला था, एंड उसके पास मेरे पास मैसेज भी आया, हिमांशु ठाकुर, हेलो हिमांशु, है ना। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारी पूरी टीम है ना, जो आपको यहाँ पे YouTube पर भी पढ़ा रही है, लेग्स क्रैक फाउंडेशन एंड NTSC में। और इसी सेम गोल से आप लोगों के पास प्लस पर जो है वो भी यही सेम टीम जो है वो आप लोगों को NTSC की और NSEJS की प्रिपरेशन करवाएगी, है ना। तो कुछ बच्चे जो है वो पूछ रहे थे मुझे, मैसेज करके भी कुछ बच्चों ने पूछा है, तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगी कि यहाँ पर आप लोगों को जो YouTube पर जो क्लासेस मिलती है बेटा, देखिए ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों को अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट देने के लिए ये क्लासेस हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें और प्लस के प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस होगा, तो बट ऑब्वियसली डिफरेंस होगा, बिकॉज वो एक पेड प्लेटफॉर्म है ना। तो ऑब्वियसली जब आप किसी सर्विस के लिए पे करते हैं, तो आपको बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली आपको वहां पर कुछ बेनिफिट्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो उसके लिए जो है वो आप लोगों को करना क्या है? अच्छा ओके, तो अभी फिलहाल जो है बच्चा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, वैनम, है ना। अभी फिलहाल पढ़ लो, एंड उसके बाद जो बाकी आप अभी जो कर रहे हो वो बाद में करना, है ना। तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग दे रखी है बच्चों, है ना। जो मेरी क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पर हो रही हैं फिलहाल, उनकी टाइमिंग मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर रखी है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे हमारी 9th CBSE की क्लास हो रही है, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारी IJSO की जो फर्स्ट स्टेज है, दैट इज NSEJS, उसकी क्लासेस हो रही है। टाइमिंग दोनों के लिए सेम है, 2:30 से 5, ठीक है। 2:30 से 5 नहीं, एक 2:30 बजे वाला स्लॉट है, एक 5 बजे वाला स्लॉट है, ठीक है। चलिए तो वेबसाइट का पूरा सा एक बार आप लोग जो है, मैं मतलब कई बार हर बार मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज एक बार गो थ्रू कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सारे आप उसको एक बार देखेंगे ना, कि आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं जो कि यूट्यूब से अलग है। अगर हम यूट्यूब और प्लस का हम अगर देखें ना, कंपेरिजन देखें, तो क्या क्या चीजें हमें वहां पर और मिल रही हैं, ये हम जब वेबसाइट देखेंगे, चेक करेंगे, तो हमें पता लगेगा, है ना। अब उसके बाद आपको करना क्या है बच्चों, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। अगर आप लोग सीरियसली इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, है ना, लाइक हमारे पास देखिए टाइम जो है ना वो ऐसे निकल रहा है हमारे हाथ से, ठीक है, निकलता जा रहा है टाइम। हमारा नवंबर में एग्जाम है,
एंड हम लोग ऑलरेडी मार्च पर पहुंच चुके हैं, नवंबर का, नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर को तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो हमारे पास क्या है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारे पास सिर्फ 8 महीने बचे हैं। तो जो हमारा प्लस का जो प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लस के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको इन 8 महीनों की पूरी जो हमारी किस तरीके से हमारा सिलेबस चलेगा है ना, वो पूरा मैं शेयर करूंगी आपके साथ, किस तरीके से चैप्टर्स हम लोग करेंगे वो सारा कवर करूंगी, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। उसके लिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि मैं एक सीरीज जो है वो शुरू करने वाली हूँ, मैं आज भी आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं शुरू करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं थोड़ा सा एक फ्लेवर दूंगी आप लोगों को कि प्लस पर एक्चुअली हम लोग करवाएंगे क्या है ना, तो वो हम लोग उस तरीके से जो है वो वहां पर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको जो है वो चूज करना होगा गोल, तो आपका गोल क्या होना चाहिए इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ये आपको सिलेक्ट करना है। इफ यू आर गोइंग इन क्लास 9th और 10th, देन आप फाउंडेशन एंड एनटीएससी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे, और उसको सब्सक्राइब करने के बाद देखिए, कई बच्चे जो है वो ये मतलब कई बच्चे लेना तो चाहते हैं सब्सक्रिप्शन प्लस का, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैम हम ऑलरेडी किसी कोचिंग में हैं, हम इधर पढ़ रहे हैं, हम उधर पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि वो लोग अलग अलग कोचिंग में पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोल रही हूँ कि आप जब अमाउंट देख रहे हैं ना, कि आफ्टर डिस्काउंट आपका जो अमाउंट बन रहा है बेटा, अगर आप एक बार पिज्जा हट भी चले जाते हैं, मैकडी भी चले जाते हैं ना, तो भी आप इससे ज्यादा खर्च करके आते हैं। सो आपका मंथली सब्सक्रिप्शन इज 788 रुपीज ओनली, व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम योर लाइफ यार, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आपके सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो इससे ज्यादा आप क्या चाहते हो है ना। तो इस तरीके से आप लोग जो है मतलब मैं प्रेफर करूंगी आप लोगों को, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है वो इसका प्लस का सब्सक्रिप्शन ले। ओ माय गॉड, 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन जो है, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू गाइस है ना। अब आगे देखते हैं, तो हमारा न्यूट्रिशन एंड प्लांट जो है उसका लाइट रिएक्शन वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, तो अभी हम लोग डार्क रिएक्शन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन हमने कर लिया, और एक बार देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, जैसे कि अभी आई थिंक हिमांशु, हेलो हिमांशु, हिमांशु ने ज्वाइन किया है, लेकिन हिमांशु जो है वो मेरे ख्याल से जो हमारी इससे पहले वाली क्लास थी उसमें हिमांशु जो है वो नहीं थे। हिमांशु क्या आप थे उसमें? तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उस क्लास में नहीं थे, तो उनको मैं बता दूं, उन बच्चों को मैं बता दूं कि लाइट रिएक्शन में हमारे जो प्रोडक्ट थे वो हमारा एक तो O2 रिलीज हुआ था है ना, ATP बना था, और हमारा NADPH बना था। ठीक है, ये चीजें बनी थी, तो जो हमारा O2 है ये तो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ठीक है, आप भी नहीं थे? क्यों, आप क्यों नहीं थे सूर्य प्रताप, आप क्यों नहीं थे? दोपहर वाली क्लास क्यों मिस करी आपने? ये तो हमारा बाय प्रोडक्ट बन के जो है वो रिलीज हो गया है ना, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो बने हैं, ये हमारे डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होंगे। ठीक है, ये होंगे हमारे यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये डार्क रिएक्शन में अगर यूटिलाइज हो रहे हैं, अच्छा कौन सा एग्जाम हुआ बेटा सूर्य प्रताप, कौन सा एग्जाम हुआ आपका? चलिए तो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं और आ जाते हैं डार्क रिएक्शन पे। ठीक है, चलिए डार्क रिएक्शन पे आ जाते हैं। तो पहली चीज जो डार्क रिएक्शन है वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, कई बार इस चीज को बोल चुकी हूँ, डार्क रिएक्शन जो है वो डार्क डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, अच्छा हिंदी का पेपर था, ओके, डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है, और ये कौन से पार्ट में हो रही है, इसकी साइट क्या है, स्ट्रोमा है ना। तो लाइट रिएक्शन जब होती है, लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स बनने के बाद कहाँ आते हैं, वो आ जाते हैं जो हमारे ग्रेना है उनसे निकल के स्ट्रोमा में आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ आ जाते हैं, ग्रेना से प्रोडक्ट्स बने और उसके बाद वो निकल के कहाँ आ गए, स्ट्रोमा में आ गए। स्ट्रोमा में आने के बाद है ना, अब यहाँ पे स्ट्रोमा में जब ये प्रोडक्ट पहुंच गए, अब क्या होगा, देखो ऑल द एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए आप, अब यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने थे, क्यों बने थे, एटीपी और एनएडीपीएच बने थे है ना। हेलो दीप्ति, हाय दीप्ति, एंड O2 जो है वो निकल गई थी। ठीक है, अब देखिए O2 जो है वो डिफ्यूज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये तो निकल जाती है जो हमें पता है एज अ बाय प्रोडक्ट, कैसे निकलती है ये, बाय प्रोडक्ट बेटा, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है,
जितने बच्चे इस समय 10th में जा रहे हैं, जो बच्चे अगली बार एनटीएससी का एग्जाम देंगे, या हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हों जो अभी एनटीएससी स्टेज 1 दे चुके हों, स्टेज 2 का एग्जाम दे रहे हो, तो क्वेश्चन जो है वो ये कई बार घुमा फिरा के एनटीएससी में आया हुआ है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से रिलीज होती है, किस स्टेप से रिलीज होती है, ठीक है? तो उसमें, अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ओके, यू आर इन क्लास 11th नाउ, ओके, अच्छा, ओके बेटा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो कैसे रिलीज होती है, ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है, और ये किस स्टेप में रिलीज हो रही है, जो हमारा फोटोलाइसिस हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वॉटर, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का पार्ट है, यानी कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो लाइट रिएक्शन में होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है वो डार्क रिएक्शन में होती है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, अब देखिए डार्क रिएक्शन बेसिकली हो क्या रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसको फिक्स करके जो है वो हम एक कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड बना रहे हैं। अब उसको ट्रैप करने के लिए जो है वो हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो उसको ट्रैप कर सके, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है कार्बन एक्सेप्टर कंपाउंड। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन एक्सेप्टर कंपाउंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए यहां पर इधर जगह है, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। देखिए वैसे तो साइकिल यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन इस साइकिल की हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से समझेंगे। देखिए हमारे पास एक कार्बन एक्सेप्टर कंपाउंड है, सो देखिए S1 2 3 4 5, हाँ ठीक है ठीक है। देखो बच्चों, जो हमारा रुबिस्को होता है, रुबिस्को है ना, जिसको जिसका पूरा नाम होता है राइबुलोज 1,5-डिसफॉस्फेट, ठीक है, RUBP, रुबिस्को तो एंजाइम है, सॉरी एक सेकेंड, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये है RUBP, ठीक है बच्चों। RUBP क्या है? ये है हमारा कार्बन एक्सेप्टर कंपाउंड। क्या है ये बेटा? ये है हमारा कार्बन एक्सेप्टर कंपाउंड, ये कार्बन को ट्रैप कर लेता है एटमॉस्फेयर की, जो कार्बन है ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत, ये देखिए ये NSEJS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये NTSC के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका जो 10th के जो बच्चे हैं ना, लाइक कैसे बताऊं मैं, बोर्ड में तो नहीं आएगी, ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में नहीं आएगी, लेकिन इससे क्या है ना, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ही सिंपल समझा रही हूँ ये, मैं आपको वो समझा रही हूँ जो मैं 10th क्लास के बच्चों को रेगुलर क्लास में जब पढ़ाती हूँ तब समझाती हूँ, लाइक जो NTSC वाले बैच के बच्चे मेरे होते हैं उनको मैं ये पढ़ाती हूँ, और जो रेगुलर वाले होते हैं उनको भी ये ड्रॉ करके एटलीस्ट समझाती हूँ, ताकि उन्हें ये पता लग सके कि अच्छा कैसे बन रहा है। मतलब हमें सिर्फ ओवरव्यू लेना है, हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो समझो सूर्या इसको, ये क्या है बेटा, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, बस मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी, टेंशन मत लो, ये एक 5 कार्बन कंपाउंड है, तो हमने ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5, ठीक है, ऐसे हमने इसको रख लिया, और क्योंकि बिस फॉस्फेट है, बिस फॉस्फेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 फॉस्फेट जुड़े हुए होंगे, तो हमने ये इस तरीके से यहाँ पर 2 फॉस्फेट जोड़ लिए। जब मेरे पास स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा एंड जब इसमें ये थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पे ड्राइंग थोड़ी अच्छी होती है ना, तो ये मतलब ऐसे मक्खन की तरीके से समझ में आता है बच्चों को, ये बहुत मतलब जो आगे के जो चैप्टर्स है ना बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इन लोग इनका मैंने सबका ऐसा सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हमारा RUBP हो गया बच्चों। अब ये RUBP जो है, ये RUBP क्या करेगा, यहां से एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको ट्रैप करेगा, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके आगे क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने ट्रैप करी है उसका कार्बन यूज करेगा। कैसे करेगा? अब इसका कार्बन ऐसे यूज होगा, ये देखो, ये पता नहीं दिख रहा है इस जगह पे ये बना रही हूं, तो
मेरा वीडियो तो नहीं आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, अब यहां पर जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लिया बेटा, तो पहले जो जो हमारा RUBP था वो 5 कार्बन कंपाउंड था, उसके पास जगह ही नहीं थी 6 कार्बन के लिए। 6 कार्बन जबरदस्ती घुस गया आके उसमें। कैसे घुस गया? जबरदस्ती घुस गया। देखो 1 2 3 4 5 6, ठुस ठुस के जबरदस्ती घुस गया। अब उसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो बना, जो ये कार्बन को ट्रैप करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बना, ये हमारा कंपाउंड कैसा था बच्चों? ये था हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, कैसा इंटरमीडिएट था ये? अनस्टेबल। कैसा था ये था अनस्टेबल। अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो बन गया हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसके बाद क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या होगा, ये फटाफट ब्रेक हो जाएगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा। अब ये ब्रेक जब होगा तो कैसे ब्रेक होगा? ये जब ब्रेक होगा बच्चों, तो इस तरीके से ब्रेक होगा, बीच में से आधा आधा बराबर बराबर हिस्सा लेके ये ब्रेक हो जाएंगे। यानी कि अभी यहाँ पे 6 कार्बन है और 2 फॉस्फेट्स है, तो ये कैसे ब्रेक हो जाएंगे? ये यहां से बीच में से मान लेते हैं हम लोग कि ब्रेक हो गया, तो 1 2 3 एंड फॉस्फेट एंड 1 2 3 एंड फॉस्फेट, इस तरीके से। यानी कि हाँ जी, अब देखना, अब यहां पर जो बात आ रही है उसको समझना। एक RUBP, एक 1 RUBP जो है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड से 1 कार्बन ट्रैप करके 1 इंटरमीडिएट बनाएगा। तो ये 1 इंटरमीडिएट जब ब्रेक होगा तो यहां पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 बन जाएंगे। ये चीज क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यहां पर नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये एकदम क्लियर है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना सूर्या? अब देखो, ये जो बना है बच्चों, इसका नाम है PGA, फॉस्फो ग्लिसरेट एसिड या फॉस्फो ग्लिसरेट। ठीक है, अब यहां पर ये जो फॉस्फो ग्लिसरेट बना है, अब इसके आगे की कहानी बताने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि जब हमारा, ठीक है, अब देखो, जब हमारी कार्बन को ट्रैप करके साइकिल चलती है, जो हमारी केल्विन साइकिल है, ये जब चलती है बेटा, तो हमारा जो ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए ये जो केल्विन साइकिल है, इस केल्विन साइकिल को 6 बार चलना पड़ता है। बात समझ में आई? देखो, ये 1 ग्लूकोज बनाने के लिए 6 केल्विन साइकिल जो है वो चलती है। यानी कि 6 बार ये साइकिल जब चलती है, तब जाके हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये बात समझ में आई सूर्या? हाँ जी, 6 राउंड में एक ग्लूकोज चलेगा हमारा, एक ग्लूकोज बनेगा। ये चीज समझ में आई? आई या नहीं आई बताइए, बताइए बताइए, जल्दी बताइए बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। स्पर्श, कोई आंसर नहीं दे रहे उतनी देर से, सिर्फ सूर्य आंसर दे रहा है। चलो ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम क्या करें, हम सीधे 6 साइकिल चला देते हैं, चला सकते हैं ना इसमें, क्योंकि अब ये बोर्ड पर हम लोग 6 बार तो चलाएंगे नहीं। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया कि हमने पहली मान लिया कि मान लेते हैं कि 6 RUBP जो है वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे होंगे और 6 अनस्टेबल कंपाउंड बना रहे होंगे, तो उनसे जो है वो 12 PGA बन जाएंगे। ऐसा मान सकते हैं हम लोग, मान सकते हैं? 12 PGA तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई है?
आई है या नहीं आई बच्चों, बताओ बेटा। सूर्या, चलो ठीक है। तो अब जब ये 12 पीजीए, ये जो पीजीए बने हैं इसमें आपको मैंने सामने दिखा रखा है 1 2 3, कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। तो इसकी वजह से यहां पर इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आफ्टर कार्बोक्सिलेशन बनता है, केल्विन साइकिल जो है ना, उसको भी हमने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 स्टेप्स हैं? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो इनमें क्या क्या होता है बच्चों? देखो, कार्बोक्सिलेशन जो है बेटा, उसमें हमारा कार्बन ट्रैप हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन में क्या हो रहा है हमारा? ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है। रीजनरेशन में क्या हो रहा है? उसमें रीजनरेट हो रहा है हमारा RuBP, जो कि क्या है? RuBisCO15 बिस्फॉस्फेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ जाती हूँ। आपका मैसेज लेट आता है बट मुझे समझ में आ जाता है, इट्स ओके, ठीक है। तो RuBP रीजनरेट हो रहा है। अब देखिए यहां पर जो ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, इतना यहां से लेके यहां तक के स्टेप को हम बोलते हैं, ये जो स्टेप है, RuBP ने जो कार्बन को एक्सेप्ट कर लिया, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सीलेशन, ठीक है। अब जो ये पीजीए बना है, इस पीजीए से बेटा जब रिएक्शन आगे बढ़ती है, तो यहां पर हमारा जो वो NADP बना था और जो ATP बने थे वो यूटिलाइज होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ATP आते हैं, अपना एक फॉस्फेट देते हैं और ADP चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर जो NADP, दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, जो NADPH हैं वो आएंगे और NADP प्लस जो है वो यहां से निकल जाएंगे, और इन प्रोसेस के साथ हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा पागल। क्या होगा? पागल। ये जो पागल बना है, ये बना है हमारा पागल। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना बेटा। और इसके पास जो है वो क्या है, इसके पास भी हमारे इस तरीके से फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। ये इनका केमिकल, एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये हम लोग सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, हाँ जी, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है बेटा। ये जो पागल है ये क्या है? फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है ना। पागल, मैं ऐसे ही, मैंने भी याद किया, तो मैं आप लोगों को भी ऐसे ही याद कराती हूँ कि ये काम कर करके पागल हो जाता है बेचारा। इससे इतना काम करा लिया जाता है, शुगर बनाने का काम इसको दे दिया जाता है, इतना काम करा लिया जाता है कि ये पगला जाता है, पागल हो जाता है ये, ठीक है। तो ये जो है, अब यहाँ पे भी नंबर कितना है? यहाँ पे भी नंबर है 12, ठीक है, क्योंकि ये 12 थे तो ये भी 12 बने। अब इन 12 में से बेटा, ये जो 12 पगाल हैं हमारे, पागल हैं, इनमें से 2 PGAL जो है वो जाते हैं और 1 ग्लूकोज बनाते हैं। देखो, PGAL जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है और हमारा ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। तो अब आप यहां पर समझ गए ना कि जब ये दो बार यहाँ पे, ये कैसा है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, और ये कैसा है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलके 1 ग्लूकोज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब जब इसमें से 2 चले गए तो कितने बचे? तो बचे हमारे पास 10 PGAL, 10 PGAL हमारे बचे, जो कि वापस से रीजनरेट कर लेंगे किसको? RuBP को, ठीक है। तो अब हम इसको अगर डिवाइड करें बेटा इस रिएक्शन को, तो अब यहां से ये PGAL से और ये जो हमारा ग्लूकोज बन गया है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, शुगर में फॉर्म हो रहा है जो, है ना। और इसके बाद ये वाला जो स्टेप है, इसको हम लोग बोलेंगे
रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। हां जी, 10 पगार जो है वो आपके आरयूबीपी बनाएंगे, ठीक है, समझ आया? आया समझ? अब देखें क्या क्या लिखा हुआ है यहां पे, एक बार देखते हैं। अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्पर्श। चलो समझ आया सूर्य, क्लियर हो गया, चलो ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो साइकिल है ये हमारे मेल्विन केल्विन ने जो है वो डिस्कवर करी थी, ठीक है, और उनके कलीग जो थे एंड्रयू बेंसन, उन्होंने उसके साथ में उनको हेल्प किया था, ठीक है, और दूसरे जो थे वो थे जेम्स बेसम, ठीक है। तो बेसिकली जो काम किया था वो केल्विन ने किया था, तो इसलिए इसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, लेकिन कभी कभी उनके दोस्तों को भी थोड़ा क्रेडिट देने के लिए केल्विन बेंसन बेसम नाम दे देते हैं, ठीक है। चलो अब इसको ऑल्सो हम बोलते हैं रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन के बाद जो है वो पेंटोज शुगर बन रही है, ठीक है। अब देखो, इन C3 साइकिल द टेम्परेचर कंडीशंस आर नॉर्मल एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O हाई। ये जो है वो नॉर्मल, इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए बच्चों, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो कंसंट्रेशन है, जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। लो कंसंट्रेशन में कम हो पाती है ये, ठीक है, कार्बन को कम ट्रैप कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छा, उसके पीछे चलो मैं एक रीजन बताती हूँ आपको, सूर्य क्यों ऐसा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई क्यों होना चाहिए। देखो हम लोगों ने अच्छा पता नहीं अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो हमारा ये है ना, जब हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे प्लांट्स हैं, जो सॉरी जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो इफिशियंसी की हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं ना कि उसकी जो एफिनिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना कि वो अगर इसीलिए हमारा दम घुटने लगता है, इसीलिए हमारा दम घुटने लगता है क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा जल्दी ट्रैप हो जाता है, अगर हम ऐसे किसी एरिया में जाते हैं तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग उसके साथ होने लगती है। इसी तरीके से बेटा जो हमारा रूबिस्को होता है, मतलब जो हमारा आरयूबीपी होता है ना, आरयूबीपी जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर लेता है, प्लांट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है ना उसके साथ भी बाइंड कर लेता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होना जरूरी है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगी तो जो आरयूबीपी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करने की जगह ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा, ठीक है। चलिए अब ये जो हमारी कार्बन को बाइंड करने के लिए जो आरयूबीपी है, ये वाला जो हमारा आरयूबीपी था ना, ये आरयूबीपी बेटा जब कार्बन को ट्रैप कर रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में है उसको ट्रैप कर रहा है, तो वो किसकी हेल्प से कर रहा है? रूबिस्को एंजाइम की हेल्प से कर रहा है, रूबिस्को, जिसका फुल फॉर्म क्या है, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। मतलब नाम में सिर्फ आपने क्या कर दिया, जो ये को जो जुड़ा है इसका मतलब है कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुकृति विश्वास। चलिए अब फॉर एवरी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंटरिंग द केल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 एनएडीपीएच आर रिक्वायर्ड। एक कार्बन मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायर्ड है ये, एक के लिए, ठीक है, एक के लिए जो है वो 3 मॉलिक्यूल एटीपी के लगेंगे और 2 मॉलिक्यूल जो है वो एनएडीपीएच के लगेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब टू मेक 1 ग्लूकोज क्या लगेगा, 6 टर्न ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल 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 कब बिल्कुल स्पर्श सही बोल रहे हो आप, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये 3 स्टेप्स हैं ये मैंने आपको बताई दी, ठीक है। तो अब इस साइकिल में जब ये साइकिल हमारी चलती है तो क्या क्या चीजें लगती हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में लगती हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में बनती हैं, वो हम लोगों ने एक रिएक्शन में यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है।
वो हमारी रिएक्शन हो जाएगी ये, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लग रहे हैं। अब हमें ये पता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, हमने क्या देखा कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 मॉलिक्यूल लग रहे हैं एटीपी के, तो जो 6 की अगर हम बात करेंगे तो 6 3 18, तो 18 एटीपी लग जाएंगे, ठीक है। और 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 एनएडीपीएच लग रहे हैं, तो 6 के लिए कितने लग जाएंगे, 12 लग जाएंगे। तो ये तो हो गया वो जो कि जा रहा है अंदर, ठीक है, जो इनपुट है, जो उस केल्विन साइकिल में, जब ये साइकिल चल रही है तो उसमें दो चीजें एंटर कर रही हैं साइकिल में, ये उनकी बात हो गई। अब जब बन रहा है तो एक ग्लूकोज बन रहा है, एक ग्लूकोज बन रहा है, एक ग्लूकोज बनने के साथ यहां पर 6 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, 18 एडीपी रिलीज हो रहे हैं। अब देखिए ये जो आपको है ये कैसे याद रहेगा बेटा, जितने एटीपी जाएंगे, मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि एटीपी एंटर कर रहे हैं, ठीक है, एटीपी एंटर कर रहे हैं और एडीपी निकल रहे हैं, तो जितने एडीपी जाएंगे, एटीपी जाएंगे वो अपना एक एक फॉस्फेट छोड़ देंगे अंदर, ठीक है, क्योंकि यहां पर जुड़ना है, ये देखिए पगाल में जुड़ना है ना, ऊपर यहाँ पे एक ही रह गया था, इधर एक रह गया था, ठीक है, अब पगाल में यहाँ पर जो है वो दो, दूसरी भी जगह भी जुड़ना है, तो उसके लिए वो अपना एक एक फॉस्फेट जो है वो छोड़ देंगे और बाकी जो है वो वापस एटीपी के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, जो हमारे एनएडीपीएच है, उन एनएडीपीएच में क्या होगा कि ये 12 अगर एनएडीपीएच आ रहे हैं तो इसमें से 12 NADP+ जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बताया तो था पगाल में, ये यही चीज तो बताई थी, है ना, चलो ठीक है। केल्विन साइकिल समझ में आ गई बच्चों, तो कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे आपका रुबिस्को एंजाइम काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, रुबिस्को, C3 साइकिल में जो हमारा फर्स्ट, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर देखिए आप, तो केल्विन साइकिल में हमारा क्या बताने जा रही थी मैं, क्या बताने जा रही थी मैं, ठीक है, हाँ C3 साइकिल है ना, जितने भी नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उनमें सब में होती है ये, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन रहा है, पीजीए बन रहा है, ठीक है, जो एंजाइम इसमें काम आ रहा है वो कौन आ रहा है, रूबिस्को आ रहा है, ठीक है। अब C4 साइकिल की बात करेंगे इसके बाद हम लोग, हेलो पूजा, हेलो पूजा, ये कितने सारे मैसेज किस सुकृति ने भेज दी, क्या भेज दिया ये, नहीं बेटा ये तो नॉर्मली याद रहते हैं, ये तो मैथ्स की कैलकुलेशन है कि मतलब सिंपल सी चीज आपको एक याद कर लेनी है अपने दिमाग में, ये कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो है वो 3 मॉलिक्यूल एटीपी के और 2 मॉलिक्यूल जो है वो एनएडीपीएच के लग रहे हैं, तो उससे जितने टर्न लग रहे हैं तो वो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, ठीक है ना। हाय पूजा, हाउ आर यू, कैसी चल रही है पढ़ाई। अब देखिए, अब यहां पर जो है वो ये सिंपल केल्विन साइकिल जो है वो मैंने ड्रॉ कर रखी है ना, इस ये साफ सुथरी सी साइकिल है केल्विन साइकिल, तो इसमें स्टार्टिंग जो है वो कहां से हो रही है, राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जिसको हम लोग बोलते हैं RUBP, है ना, ये जो है वो एटमोस्फेयर की कार्बन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद किसकी हेल्प से कर रहा है ये कर रहा है हमारा, इस जगह पर जो काम करेगा वो होगा रुबिस्को एंजाइम, ठीक है, ये रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से जो पहला प्रोडक्ट बनाएगा वो बनाएगा फॉस्फोग्लिसरेट या फिर PGA, ठीक है, जो कि कैसा होगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड होगा, ठीक है, कैसा होगा, एक 3 कार्बन कंपाउंड होगा, नहीं ये इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती है बेटा, इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, बेटा आपका नाम क्या है, फिटजी पटना स्कॉलर, आपका नाम क्या है बच्चा, अपना नाम बताइए,
इसको इसलिए बोलते हैं बेटा डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसको लाइट की जरूरत नहीं होती है, ये डार्क में भी हो सकता है और लाइट में भी हो सकता है, मतलब ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है. तो जस्ट टू कंट्रास्ट दैट नेम, जो हमारा लाइट रिएक्शन का नाम हमने लाइट रिएक्शन रखा है, तो उसके कंट्रास्ट में, क्योंकि वो लाइट डिपेंडेंट है एंड ये लाइट इनडिपेंडेंट है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया. ओके सिद्धार्थ, ओके ओके बच्चा, ठीक है. तो अब यहां पर जो हमारा ये पीजीए बना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ये हमारा फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, और इस कंपाउंड की वजह से ही इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है C3 साइक्लिक. ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है हमारा, अब यहां पर देखिए ये जो 3 लिखा हुआ है बेटा, ये 3 किस चीज को डिनोट कर रहा है बताओ मुझे. सूर्य, सूर्य, सिद्धार्थ, स्पर्श, हेलो दीप, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है बताइए मुझे. ये जो 3 यहां पर दिया गया है बेटा, ये 3 कार्बन कंपाउंड को डिनोट नहीं कर रहा है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है कि कार्बन की थर्ड पोजीशन पर जो है वो फॉस्फेट जुड़ा हुआ होगा. यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पीछे आपको डायग्राम बना के दिखाया है, इसमें देख रहे हैं आप, थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ दिख रहा है. ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, है ना, और ये थर्ड पर जो है वो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो उसके बेसिस पर इसमें आगे हमने 3 लगा दिया. ठीक है, अब इसके बाद देखिए, हाँ इसके बाद अब यहाँ पर ये जो स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप जो होगा पीजीए, इससे बन, यहां से लेके स्टेप से, है ना, और ये हमारा जो ये वाला जो स्टेप होगा ट्रायोस फॉस्फेट जो हमारा बनेगा, है ना, यहाँ पर रिडक्शन के बाद जो है वो ये वाला जो स्टेप होगा ना बेटा, ये इसके बाद जो ये स्टेप होगा, यहाँ पर हमारा ये देखिए ये लिखा हुआ है ना, फॉर्म ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पगाल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पगाल, है ना, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे भी जो 3 लगा हुआ है ये किसके लिए लगा है, कार्बन की पोजीशन जिस पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसमें आपके एटीपी और एनएडीपीएच आते हैं, और यहाँ पर एडीपी और ये एनएडीपी निकल जाता है. ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारा शुक्रोज बन जाता है, जो कि शुक्रोज बनने के बाद किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है. जो बचा हुआ हमारा पीजीएएल है वो क्या बनाएगा, वो रीजनरेट कर लेगा आपके एटीपी को, सॉरी आरयूडीपी को. ठीक है, तो केल्विन साइकिल जो है वो समझ आ गई. सी थ्री साइकिल क्यों कहा जाता है, सी थ्री साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है बच्चों, वो 3 कार्बन कंपाउंड है, पीजीए, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, चले आगे बढ़े. कुछ भी मतलब कुछ भी, डीप क्या हो गया है आपको बेटा, या तो आप बहुत ही जरूरत से ज्यादा पढ़ लिए हो, है ना. टीसीए साइकिल यहां पे कहां से आ गई, यहां कहां से आ गई टीसीए साइकिल, मतलब कुछ भी लिखना है बीच में. चलो अब आ जाते हैं हम लोग C4 साइकिल पे, है ना. तो जो C4 साइकिल है, कुछ भी लिख रहा है ये बीच में, कुछ भी लिख रहा है. दीप आप एक बात बताओ, ईएमपी पाथवे लिख रहे हो बीच में, टीसीए साइकिल लिख रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो मुझे बताओ. दीप आप मुझे ये बताओ कि ईएमपी पाथवे, ये ग्लाइकोलिसिस का पाथवे, अभी हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं क्या, हम अभी रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं या फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं पहले आप डिसाइड करो बच्चा. हम लोग अभी अभी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, जो चीज पढ़ रहे हैं, मैंने आपको दोपहर वाली क्लास में भी बोला था बेटा, जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करो. ठीक है, जो चीज अभी चल रही है उस पर फोकस करो. आप बीच बीच में ऐसे टर्म्स अगर लिखते रहोगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ठीक है आपने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, बट बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हैं जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, जो अभी 9th में आने वाले हैं, है ना, तो उनको आप ऐसे बीच बीच में अजीब अजीब से नाम लिखते रहोगे तो उनको तो समझ में भी नहीं आएगा कि आप क्या लिख रहे हो, है ना, ऐसे नहीं करते, गलत चीज है ये. ठीक है, चलो C4 साइकिल की बात करते हैं. तो अभी हमने क्या पढ़ी, C3 साइकिल पढ़ी. ठीक है, अब C3 साइकिल के बाद अब हम बात करते हैं C4 साइकिल की. तो जब C3 साइकिल का मतलब है
सी थ्री साइकिल का मतलब है कि यहाँ पर जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो बन रहा है आपका थ्री कार्बन कंपाउंड। तो उससे आपको साफ पता लग रहा है कि जो सी फोर साइकिल होगी उसमें जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो फोर कार्बन कंपाउंड बनेगा। समझ में आई ना ये चीज। अब देखो चलो, ये वाली जो साइकिल होती है इसमें जो है कंपेरेटिवली अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें कि भाई इनमें डिफरेंस क्या है, तो पहली चीज तो ये है कि इसमें जो साइकिल जो चलेगी, कहीं लिखा है मैंने ये चीज इसमें मेंशन करी है, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पहले। चलो इसमें जो है वो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फोर कार्बन कंपाउंड का, ठीक है। पहला जो जो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, फोर कार्बन कंपाउंड। हाँ जी बिल्कुल। सी थ्री दोबारा रिपीट करूं बेटा, रिपीट करूंगी अगर तो हमारी क्लास खत्म हो जाएगी है ना, और मेरा जो सिलेबस है वो रह जाएगा विकास। देखो सिंपल सी बात है कि सी थ्री साइकिल में क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन एक्सेप्टर कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है आर यू बी पी। क्या नाम होता है उसका, आर यू बी पी। ये आर यू बी पी एटमोसफेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। ट्रैप करने के बाद जो फर्स्ट कंपाउंड, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ये बनाता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, और इसी वजह से इसका जो नाम रख देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो थ्री कार्बन का बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सी थ्री साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद जब हम इस पर आ जाएंगे तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो फोर कार्बन का बनेगा, है ना। अब इनमें क्या चीजें डिफरेंस है, देखिए इसको किसने डिस्कवर किया था, एच एन स्लेक ने किया था, इसलिए इसको हम एच एन स्लेक पाथवे बोलते हैं। अच्छा ओके ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एच एन स्लेक पाथवे, ठीक है। द सी थ्री प्लांट इवॉल्व टू सी फोर प्लांट ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशन, ठीक है। मोस्टली ये किन प्लांट्स में होती है, जिन प्लांट्स में जो एनवायरमेंट सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि ये वाले जो प्लांट्स होते हैं इनमें लीव्स की जगह जो पूरा स्टेम होता है ना, पूरा का पूरा स्टेम वो फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर देता है। मोस्टली जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं उनमें जो है वो आपका सी फोर पाथवे चलता है, जैसे कैक्टस हो गया ना, कैक्टस उसमें उस तरीके के प्लांट में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। इट इज अ कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब क्या है कि रन्स इन टू सेल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये साइकिल जो है वो एक साथ दो सेल्स में चलती है तब कंप्लीट होती है। कैसे, कैरेक्टरिस्टिक देखिए इसके, प्रेजेंस ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है कि ये जो साइकिल जिस जगह पर चल रही है वहां की जो सेल्स हैं दो तरीके के सेल्स में चल रही है, और उनका जो एनाटॉमी है उसको हमने क्रेन्स एनाटॉमी बोला, ठीक है। देखिए लार्ज बंडल शीट्स प्रेजेंट, बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट इन सर्कुलर अराउंड द वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। क्रेन्स एनाटॉमी इज नॉट मैंडेटरी फॉर सी फोर मेटाबॉलिज्म, बट मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये प्रेजेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहां पर आप देखिए जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, ये इमेज दिख रही है आपको, यहाँ पे दिख रही है ये, एक सेकेंड रुको, हाँ आप देखेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, कहाँ है वैस्कुलर बंडल्स, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है। अब बंडल शीट सेल्स प्रेजेंट इन द सर्कल अराउंड द वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि इसके चारों तरफ ये जो रीजन है, ये वाला रीजन यहां पे क्या प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट हैं, जो कि डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी, जब मैं प्लांट एनाटॉमी आपको समझाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में इनकी स्ट्रक्चर जो है वो समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर यहां पर ये वाला जो रीजन है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है हमारी मीजोफिल सेल्स। क्या प्रेजेंट है,
मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हैं। तो बेटा ये जो चलती है, ये जो हमारी C4 साइकिल है, ये जो साइकिल चलती है, ये मीजोफिल सेल्स में और बंडल शीथ में, इन दोनों में साथ में चलती है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि ये जो है ये कैसी है, कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस है, यानी कि यहां पर दो सेल्स में एक साथ ये चल रही है। हेलो अविनाश, हेलो हेलो, जय हिंद जय हिंद, जय भारत। ठीक है, इनको क्या चाहिए होता है, इनको चाहिए होता है टेम्परेचर तो हाई, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो तो भी चलेगा, वाटर लेवल कम हो तो भी चलेगा, क्योंकि ज़ेरोफाइट प्लांट्स में, ठीक है ना, प्लांट शो ज़ेरोफिटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स में कुछ तो डाइकॉट्स के एग्जाम्पल दे दिए हैं यहाँ पे, कुछ जो है वो मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स जो है वो दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कहां से आया सुकृति विश्वास, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये इस चैप्टर में कहां से आया? नहीं नहीं वो C3 है। ठीक है, तो ये जो पाथवे हमारा है, इस पाथवे में हमारी जो साइकिल चल रही है वो C4 साइकिल चल रही है, और इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है, अब मुझे चाहिए होगी, इसकी जरूरत होगी ये। ठीक है, अरे ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट है जो कार्बन को एक्सेप्ट करेगा, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, जो एंजाइम काम करेगा वो क्या होगा, पेप्सिको। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो C4 बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बन रहा है, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये कैसा है, 4 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये एंजाइम हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, अच्छा उसके लिए मुझे थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा बेटा, रुबिस्को इसमें काम नहीं करेगा, रुबिस्को बेटा C3 में काम करता है, दीप इसमें पेप्सिको काम करता है। ठीक है, चलो अब आ जाएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से फैक्टर जो है वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, देखते हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, है ना, जो क्रॉप्स हमारे होंगे या जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना अपने लिए स्टार्च बनाएंगे, जितना ज्यादा उनमें स्टार्च होगा उतनी ज्यादा उनकी ग्रोथ होगी, है ना। फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, और वो फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये एक लॉ जो है वो लिमिटिंग फैक्टर्स का दिया हुआ था, तो वो मैंने आपको दे दिया यहाँ पे, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट जस्ट इन केस आप कहीं पर नाम सुने इसका, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस रिलेटेड है, कि इसके अकॉर्डिंग इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर which is nearest to its minimal value. It is a factor which directly affects the process if the quantity is changed. ठीक है, तो example क्या है, if green leaf and optimal light and CO2 conditions are present, plant may do not photosynthesis if the temperature is very low. बाकी सारी चीजें एकदम सही है, but अगर temperature बहुत ज्यादा low है तो photosynthesis का rate जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे इंटरनल फैक्टर जो है वो क्या क्या है, है ना, जो प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रहे हैं उसमें इंटरनल फैक्टर क्या क्या है, एज, किसकी एज, लीफ की, है ना, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस राइज विद द एज टिल इट बिकम मैक्सिमम एट फुल मैच्योरिटी, और उसके बाद जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जैसे यंग लीफ जो है वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता है मैच्योरिटी तक, एंड उसके बाद जो है वो धीरे 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 कम होने लगता है। ठीक है, दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जितना ज्यादा कंटेंट क्लोरोफिल का रहेगा फोटोसिंथेसिस जो है वो उतनी ज्यादा होगी, और क्लोरोफिल जो है वो जिस पार्ट में नहीं होगा उस पार्ट में तीसरी चीज आती है बेटा हार्मोन्स।
लीफ एनाटॉमी इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इनटू द मेसोफिल सेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ, रेट ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट. ये सारी चीजें जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती हैं. वो हॉर्मोन्स जो कि ग्रोथ प्रमोटर का काम कर रहे हैं, है ना, जो हमारा साइटोकिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड जिबरलिन जो हमारे हॉर्मोन है, यही हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के लिए. तो लीफ की जो ग्रोथ हो रही है ना, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. तो इनका जो है मतलब हॉर्मोन्स की वजह से जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है. लीड एनाटॉमी का मतलब क्या है? द इम्पॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस देम आर साइज, स्ट्रक्चर, पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रोमेटा, थिकनेस ऑफ एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस. क्रेन्स एनाटॉमी इज स्पेसिफिक फॉर C4 प्लांट्स. लीव्स विद क्रेन्स एनाटॉमी आर मोर एफिशियंट इन फोटोसिंथेसिस बिकॉज द डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मेसोफिल एंड बंडल बंडल शीट्स आर प्रेजेंट. जो चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी वही चीज मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग सुनते नहीं हैं और जब लिखी हुई चीज दिखाई देती है तो अब आप लोग थोड़ा सा उसको फोकस में लेके आते हैं, है ना. दूसरा है, लास्ट है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट. अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो हमारा फोटोसिंथेटिक का एंड प्रोडक्ट है दैट इज ग्लूकोज, और वो स्टार्च के फॉर्म में अगर वहीं पर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस केस में भी जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उससे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो हो जाती है कि अच्छा ठीक है अभी बन गया है तो अभी उतना बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स की बच्चों, है ना, कि एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो क्या है, है ना. एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट के बाहर से जो फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेते हैं हम लोग, है ना, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनको हम लोग बोलते हैं. देखिए, लाइट पहली चीज हो गई. अब लाइट की इंटेंसिटी, ठीक है, और लाइट की क्वालिटी दोनों चीजें हैं, है ना. लाइट की इंटेंसिटी की लाइट कितनी आ रही है ना, और लाइट की क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी है लाइट की वो कैसी है. इन रेड लाइट इट इज विटनेस्ड दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर, जो कि अभी शायद जो दोपहर वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, है ना. फॉलोड बाय ब्लू लाइट. इट इज मैक्सिमम इन ग्रीन लाइट. इट इज मैक्सिमम इन पॉलीक्रोमेटिक लाइट. मतलब किस चीज की बात हो रही है, ये लाइट की क्वालिटी की बात हो रही है कि कौन सी मैक्सिमम नहीं मिनिमम है ये. हाँ, मिनिमम इन ग्रीन लाइट एंड मैक्सिमम इन पॉलीक्रोमेटिक लाइट, हमारी जो रेड लाइट और हमारी जो ग्रीन लाइट है ना, सॉरी ब्लू लाइट है ना. अब उसके बाद टेम्परेचर की बात करते हैं, तो प्लांट्स के लिए एक ऑप्टिमम रेंज है 30 से 40 डिग्री वाली रेंज. इस रेंज में जो है फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है, ये हमारा ऑप्टिमम रेंज है. अब अगर इससे कम होती है तो भी जो है वो नहीं हो पाती है रिएक्शन, है ना, और अगर ज्यादा होती है तो भी नहीं हो पाती है, क्योंकि द डार्क रिएक्शन हैव प्रेजेंस ऑफ वेरियस एंजाइम. हेंस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 40 द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्लाइंड एंड द एंजाइम्स आर डिनेचर्ड, है ना. द हैबिटेट टू विच अ प्लांट इज अडेप्टेड टू ऑल्सो डिसाइड द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखो, अगर बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, अगर अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा. और अगर वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो जो एंजाइम्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं वो एंजाइम्स जो है वो डिनेचर हो जाएंगे, तो भी जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगा, है ना. चलिए नेक्स्ट आते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर क्या है हमारा, CO2 कंसंट्रेशन, है ना. CO2 कंसंट्रेशन जो है वो एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है कि CO2 कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, जिसके जिस पर जो है वो. अब यहां पर देखिए जो ग्राफ दिया गया है, इसमें दिया गया है CO2 का कंसंट्रेशन, ठीक है, और यहां पर दिया है रेट ऑफ अपटेक ऑफ CO2, ठीक है. अब देखिए, हाँ जी, मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू लाइट. अरे कितने बार लिख दिया ये, कितने बार लिख दिया ये, ठीक है. तो जब ऑप्टिमम है तो फिर क्या होगा, ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये हाई स्पीड में होगा, ठीक है ना, हाई स्पीड में होगा. लेकिन अगर अगर लो है, लेवल कम है अगर, तो क्या होगा, कम हो जाएगा. मतलब देखो, यहां पर देखो, इसमें कंसंट्रेशन जो है वो परसेंटेज में दी गई है. नॉर्मल कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 जो है इज 0.03 to 0.04, विच इज लो इफ द कंसेंट्रेशन इंक्रीज टू 0.05, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज एंड बियॉन्ड दैट डिक्लाइंस, ठीक है. उससे भी ज्यादा अगर हो जाएगा तो फिर डिक्लाइन हो जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा.
C3 and C4 plant responds differently to CO2 concentration at low light condition. Neither group respond to high CO2 condition. जब light कम होती है ना, तो कम light में ज़्यादा अगर concentration CO2 की होती भी है, तो भी जो plant है वो उसको respond नहीं करते, ठीक है? At high light intensity, both C3 and C4 plant shows increase in rate of photosynthesis. Although saturation point for C4 was noted to be higher than C3, ठीक है? चलिए, उसके बाद आ जाएंगे हम O2 concentration पे. O2 concentration जो है, वो small quantity of O2 is essential for photosynthesis in some anaerobic जो bacteria उनको अगर छोड़ दिया जाए तो, है ना? फिर C3 plant shows optimum photosynthesis at low oxygen concentration. ये point मैंने आपको already explain किया कि जो हमारा photosynthesis है, उसमें जो हमारा, अगर हम photosynthesis की बात करें, तो मैंने आपको बताया already कि जो oxygen होती है, उसकी binding जो है, वो आपके enzymes के साथ ज़्यादा हो जाती है. जो enzyme नहीं, जो हमारा acceptor compound है, RUBP है ना, उसके साथ ज़्यादा हो जाती है. तो अगर ऐसा होगा, है ना, अगर ऐसा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहेगी, तो ऑक्सीजन के साथ जो है वो बाइंड कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसके साथ बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, फाउंड बीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट 2.5 ऑक्सीजन वाज ट्वाइस एज कंपेयर टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन, ठीक है? वाटर की बात करें तो वाटर सप्लाइज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. However, less than 1% of total water absorbed is utilized in photosynthesis. The rest is lost, जो transpiration में हो जाता है. Even a slightly increase in transpiration reduce the leaf hydration and cut down the photosynthesis by causing stomatal closure and hence decrease carbon dioxide absorption. ठीक है? Sunday को कराएंगे deep Sunday को. ठीक है? तो ये यहाँ पर हम लोगों का आज का पार्ट जो है वो खत्म हो गया है ना. फोटोसिंथेसिस का पार्ट जो है वो यहाँ पर खत्म हो गया है. और हमारा जो संडे को क्विज होगा, है ना, जो हमारा संडे है, दैट इज हमारा फन डे. संडे इज फन डे. एंड इस बार का जो हमारा फन डे होगा, उस फन डे में हमारा फोटोसिंथेसिस प्लस हमारा टिश्यू प्लस हमारा सेल, इन सब का होगा मेंटी क्विज. ठीक है? हाँ जी बताइए दीप. बताओ बताओ, पूछो तो सही. अरे पूछो, डाउट में पूछोगे कि डाउट डाउट लिखते रहोगे? टेलीग्राम है मेरा AYC911, तो इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप लोगों को कभी कुछ पूछना होता है, कोई आप लोगों को डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप क्लास के बाद भी जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है? हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा है? स्ट्रोक वॉल्यूम. देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है? अरे सुन लिया मैंने, बता रही हूं. स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है? हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, तो हमारा ब्लड जो है वो हार्ट में पहुंच रहा है वेन्स के थ्रू, मतलब सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी, इनके थ्रू हमारे ऑरिकल्स में ब्लड पहुंच रहा है. ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच रहा है. वेंट्रिकल्स से वो वेंट्रिकल जो कि हमारी बॉडी में ब्लड भेज रहा है, वो कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है? और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो अमाउंट होता है, जो पंप, जब हार्ट पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड जो है वो बॉडी के लिए निकलता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना? इन वन स्ट्रोक जितना ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में निकलता है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है? चलो बच्चों, क्लास यहीं पर खत्म करते हैं. ठीक है? आई होप आप लोगों के डाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे एंड आपको सेशन पसंद आया होगा. लाइक कीजिए प्लीज, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, टेलीग्राम पर मुझे ऐड कीजिए. ठीक है? चलिए,
ओके बच्चों, बाय बाय।